जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा वाहन सुख और ज्योतिष शास्त्र। जानेंगे इसी के विषय में, जुड़े रहिए मेरे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए जानते हैं वाहन सुख और ज्योतिष शास्त्र का फल कथन। मित्रों, वर्तमान समय में घर में वाहन परिवार की जरूरत बन गया है। अनेक लोग ऐसे हैं जो वाहन के लिए जीवन भर प्रयास करते रहते हैं और सामान्य वाहन भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ज्योतिष विज्ञान में वाहन के लिए कुंडली में विशेष योग का जिक्र है। कुंडली में चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव का ग्रह संपत्ति और वाहन सुख को नियंत्रित करते हैं। इनमें से एक ग्रह जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है शुक्र। शुक्र ही हमारे जीवन में विलासिता और वैभवपूर्ण वस्तुओं को प्रदान कराता है। इसलिए कुंडली में चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव का ग्रह अच्छी स्थिति में होना वाहन सुख का कारण बनाता है। मित्रों, ज्योतिषीय दृष्टि से जानते हैं जीवन में वाहन सुख के योग कब कब बनते हैं। यदि चतुर्थ ग्रह का मालिक या चतुर्थ भाव में स्थित हो या चतुर्थ ग्रह की दृष्टि चतुर्थ भाव पर हो तो व्यक्ति को अच्छा वाहन सुख मिलता है। मित्रों, चतुर्थ स्वयं या उच्च राशि में होकर शुभ भाव में स्थिति में हो तो अच्छे वाहन का कारण बनाता है। चतुर्थ का दशमेश, नवमेश, रावेश, लग्नेश या पंचमेश के साथ राशि परिवर्तन भी व्यक्ति को वाहन सुख का सुख देता है। कुंडली में शुक्र यदि स्वग्रह या उच्च राशि यानी वृष, तुला और मीन में होकर शुभ भाव में हो तो बड़े और वैभवपूर्ण भाव का सुख मिलता है। कुंडली में यदि मालवीय योग बना हो तो व्यक्ति को वैभव ढंग से वाहन सुख मिलता है। यदि शुक्र कुंडली में 12 के भाव में हो और पाप ग्रहों के प्रभाव से मुक्त हो तो व्यक्ति को अच्छे वाहन की प्राप्ति करवाता है। जिन लोगों की कुंडली में चतुर्थ, छठे, आठवें, बारहवें भाव में हो तो अपनी नीच राशि में हो, शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो ऐसे लोगों को वाहन सुख में बाधाएं आती रहती है। चतुर्थ भाव का पीड़ित या कमजोर होना भी वाहन प्राप्ति में बाधक बनता है। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र अपने नीच राशि कन्या में हो, छठे आठवें भाव में हो तो केतु मंगल से पीड़ित हो या अस्त हो या अन्य किसी प्रकार से कमजोर हो तो ऐसे लोगों को बड़े और वैभवपूर्ण वाहनों का सुख नहीं मिल पाता होता है। मित्रों, ये थी जानकारी वाहन प्राप्त होने के योग कुंडली के द्वारा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।